अलवर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक डॉक्टर करण सिंह यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे इस सीट के लिए पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रमुख दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार अलवर के जातीय समीकरणों सहित कुछ अन्य कारणों की वजह से कांग्रेस ने डॉक्टर यादव को उम्मीदवार बनाना उचित समझा है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर यादव 1998 और 2003 में बहरोड विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वे अलवर सीट से सांसद भी रह चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वहीं पिछले आम चुनाव में कांग्रेस ने अलवर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया था, जिन्हें बाद में रक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया। दरअसल अलवर राजघराने से जुड़े जितेंद्र सिंह के राहुल गांधी से निकट के संबंध हैं और वे पिछली बार डॉक्टर करण सिंह की बजाय खुद टिकट लेने में कामयाब रहे। वहीं डॉक्टर यादव को विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। डॉक्टर करण सिंह पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खेमे से ताल्लुक रखते हैं और गहलोत एवं जितेंद्र सिंह के राजनीतिक संबंध अधिक मधुर नहीं बताए जाते। इस बार जब भाजपा सांसद महंत चांद नाथ का निधन हुआ तो कांग्रेस टिकट के सबसे प्रबल दावेदार जितेंद्र सिंह माने जा रहे थे, लेकिन करण सिंह के नाम पर मोहर लगने के पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। हाल ही गुजरात चुनाव में प्रभारी अशोक गहलोत की प्रभावी भूमिका सबके सामने है। ऐसे में डॉक्टर करण सिंह की पैरवी के लिए दिल्ली में गहलोत से अच्छा कौन हो सकता था। वहीं मोदी युग में भाजपा के सामने लड़ने के लिए जितेंद्र सिंह पहले जितने इच्छुक भी नहीं रहे होंगे। वैसे भी कांग्रेस में उनका कद राहुल गांधी की बदौलत बड़ा है और वे बिना जोखिम वाले तरीके से यानी राज्यसभा के जरिए भी संसद में जा सकते हैं। आज दिल्ली में हुई बैठक में करण सिंह यादव के नाम पर सभी ने सहमति जाहिर की। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से अभी प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। वहीं भाजपा में अलवर से डॉक्टर जसवंत यादव का नाम तो प्रमुख था ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा भी दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। शर्मा के ओम माथुर से बेहतर संबंध है। वहीं माथुर को अमित शाह की विश्वस्त टीम में माना जाता है। हालांकि अहीर यानी यादव सीट के रूप में विख्यात अलवर में भाजपा आम तौर पर इसी समुदाय को टिकट देती आई है। साथ ही सांसद रह चुके और वर्तमान में श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के पास खासा राजनीतिक अनुभव भी है। उपचुनाव की घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है और इसके लिए 5 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस द्वारा पत्ते खोलने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।